रिवील हो
नामन तटीन वाला स्पेशल फ्रेम और भाई फिर इसके आगे यहाँ पे नामन के नॉकटूम टेरर सेट, मेगा सैंक्टम सेट, ट्रेंडी हाइकर सेट। ओ भाई क्या ही खतरनाक नाम रख देते हैं यार। तो भाई ये मंथ 14 के रॉयल पास के लोगो वगैरह है इधर, और इसके आगे कुछ स्पेशल फ्रेम्स भी दिख रहे हैं। रॉयल ऑरम सेट, एजेंट फॉक्स सेट, इसके नाम आ गए ओएसिस आइडल सेट। तो ये थे मंथ 14 के रॉयल पास के सेट। अब यहाँ पे वेक्टर की कोई अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है इधर। भाई ग्लाइडी ट्रीपर वेक्टर नाम है इसका। तो गाइस वैसे भी बहुत सारी अपग्रेडेबल स्किन आ चुकी है यार, वेक्टर की तो पहले भी आ चुकी है भाई, पता नहीं फिर से कौन ही लेगा। लेकिन भाई लेने वाले प्लेयर्स होते हैं जिनको एक ही गन की 6-6 अपग्रेडेबल स्किन अच्छी लगती है, तो भाई वो रखते होंगे यार, मैं तो नहीं रखता। वैसे जो प्लेयर्स पहले नहीं ले पाए थे उनको चाहिए भाई, वो ले सकते हैं, बस यही एक ऑप्शन बचा। सो गाइस आफ्टर मैच का भी तो एक नया मोड आया इस बार। अब यार पता नहीं आफ्टर मैच मोड आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो यार, मैं तो नहीं खेलता हूँ। देखो बताओ सच्ची बात, मैं तो रैंक मोड खेलता हूँ, सिर्फ और ये रैंक में है नहीं। तो यार जो मोड रैंक में नहीं है वो कौन ही खेलता होगा, थोड़ा बहुत अरीना खेल लेते हैं भाई प्रैक्टिस के लिए। ओके सो गाइस इस बार नई M416 की भी अपग्रेडेबल स्किन आ रही है यार, इंपीरियल स्प्लेंडर M416, और ये है कुछ इसका स्पेशल एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह गया यार अब इन अपग्रेडेबल स्किन्स में, क्योंकि पहले ही आ चुकी है, किसी ऐसी गन की है जो आज तक ना आई हो, तो भाई कुछ स्पेशल बात है। इसकी भी बहुत सारी आ चुकी है, और वैसे भी M416 ग्लेशियर तो है ही, जिसमें ऑन हिट इफेक्ट भी होता है, इसमें तो वो भी नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, जिसको लेनी है वो तो लेके ही रहेगा, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलो आ जाओ आगे चेकआउट करते हैं गाइस और क्या है नए अपडेट में। तो भाई एक अपग्रेडेबल मिनी 14 डीएमआर स्नाइपर राइफल की स्किन भी है, एथरल ब्यूटी मिनी 14, और ये हरा सा किल इफेक्ट है इसका, जिसमें नीचे कुछ पत्तियां भी उड़ती है। और भाई इसके बाद एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट देख लेते हैं एक बार, ये कैसा रहने वाला है इसका। तो ये रहा इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, और लूट क्रेट तक तो ये है नहीं, सिर्फ फाइनल फॉर्म तक ही है। वैसे गाइस अपडेट 2.1 में मुझे आगे कुछ और स्पेशल मिथिक आउटफिट्स के फ्रेम्स भी देखे भाई, कुछ इस तरह के नए मिथिक आउटफिट्स फिर से आ रहे हैं, हो सकता है ये अल्टीमेट आउटफिट्स ना हो। तो इनके अलावा अपडेट 2.1 में कुछ स्पेशल इमोट्स भी ऐड हुए भाई, बेटा वर्जन में ये भी चेकआउट कर पा रहे हैं, और हो सकता है ये रॉयल पासेस के इमोट्स ही हो भाई। स्पेशल इमोट्स भी है एक दो, और कुछ मिथिक इमोट्स तो है ही, लेकिन ये अभी सही तरह से रेंडर नहीं हो रहे, तो पता नहीं चल पा रहा है कैसे इमोट्स है वो। और इस बार के रॉयल पास विनर है हमारे नकुल भाई, तो हम उनको ये सी भेज देते हैं, 300 ये सी पहले भेजते हैं, और अब 60 ये सी भेज के उनको रॉयल पास गिफ्ट कर रहे हैं। और अगर आपको भी रॉयल पास जीतना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, इंस्टा भी फॉलो कीजिए, और रेगुलर बने रहे। और अब हम इस वीडियो में अब आपको बताएंगे अगले सीजन में आने वाले टायर रिवॉर्ड्स के बारे में, तो देखते हैं इस अगले सीजन मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वैसे है ये फीमेल कैरेक्टर का आउटफिट, बट है कतई ओपी यार, एकदम मतलब लेजेंडरी मिथिक सेट जैसा ही लग रहा है, एंड ये आपको नेक्स्ट सीजन में बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो है ना बढ़िया बात। तो अगर आउटफिट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर देना। अंदर ये वाले आउटफिट का आपको अगर मास्क चाहिए तो आपको प्लैटिनम टियर पे कलेक्ट करना पड़ेगा इसे, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है मास्क का। एंड अगर बात करें डायमंड टियर के गन स्किन की, तो हम लोग को यहाँ पे डायमंड टियर पे ये वाली गन स्किन देखने मिलने वाली है। तो फिलहाल गाइस आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये कौन सी वाली गन स्किन है, ठीक है ना। गन स्किन तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको डायमंड टियर पे। गाइस थैंक्स अ लॉट टू प्रियांक हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। तो गाइस 200K जैसे प्रियांक के हो जाएंगे, वो करने वाला है 20 रॉयल पास की गिव अवे, तो उनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके चैनल की। एस टीयर का रिवॉर्ड ये वाला होने वाला है, तो ये भी एक्चुअली एक मास्क है जो आपको एस पहुंचते मिल जाएगा, तो उस आउटफिट के साथ पूरा एक लुक कंप्लीट करना है, तो ये मास्क तो वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, ये है एस डोमिनेटर का अवतार जो जनरली सिमिलर रहता है, यहाँ पे लिखा है C3S7, एंड एस मास्टर अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको ये वाला हेड गियर मिल जाएगा। तो फाइनली हेड गियर के साथ वो पूरा का पूरा आउटफिट कंप्लीट होने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन आउटफिट है वो तो आपको गोल्ड पे ही मिल जाएगा। एंड फिर कॉन्करर की फ्रेम ये इस तरीके से होने वाली है, सिमिलर फ्रेम है लास्ट सीजन जैसी। बट गाइस अगर मिथिक आउटफिट की बात करें, तो साइकिल रिवॉर्ड्स में नेक्स्ट सीजन से आपको एक मिथिक आउटफिट मिलने वाला है, जहाँ पे
आपको साइकिल रिवॉर्ड्स में एक सिमिलर टीयर जाना रहता है कंटिन्यूसली 3 सीजन तक। तो ये वाला गाइस देखिए, ये वाला मिथिक सेट होने वाला है। तो बताना गाइस मिथिक सेट कैसा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ इमेज है बट आई एम श्योर गाइस HD टेक्सचर्स में इसका लुक भाई बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एंड इसका हेड गियर भी आपको मिलने वाला है अलग से। तो हेड गियर तो मुझे यहाँ पे एनिमेटेड लग रहा है। तो हेड गियर का लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है कंटिन्यूसली 3 सीजन। अगर आप डायमंड टीयर जाते हो तो आपको ये वाला हेड गियर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बट इतना ही नहीं गाइस, अगर आप लोग एक बहुत ही ऑसम होवरबोर्ड की स्किन चाहते हो एंड उसके लिए कोई भी यूसी नहीं डालना चाहते, तो ये देखिए ये वाली है होवरबोर्ड की स्किन। तो ये वाली स्किन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सारे रिवॉर्ड्स कैसे लगे कमेंट में बताना। एंड वीडियो को लाइक नहीं दिया तो लाइक देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।